देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। आजमगढ़ जिले में अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर और मोमबत्ती लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव और इसीलिए उनके लापता होने के पोस्टर जिले के कलेक्ट्रेट की दीवारों पर चिपका दिए गए हैं। अखिलेश यादव को जिले की जनता हाथ में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर सड़क पर खोज रही है। अखिलेश यादव को खोजने का ये कोई पहला वाक्य नहीं है। 2 साल पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगवा दिए थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने भी सामने आकर बयान दिया कि कैसे अखिलेश यादव ने उनको निराश किया है। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज आजमगढ़ की जनता इतनी परेशान थी कोरोना काल में, जो कि सारे सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, सबसे बार बार हालचाल जाना, लेकिन यहाँ के सांसद एक बार भी यहाँ की हालचाल लेने नहीं आए। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि लोग अखिलेश यादव से कितने निराश हैं, उन्होंने उन पर आरोप लगाए और कहा कि जिले की जनता ने इतने बड़े नेता को चुनाव जिताकर इसीलिए भेजा था कि जिले की समस्याओं का समाधान होगा, पर अखिलेश यादव ने तो उल्टा ही कर दिया। अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले के लालगंज संसदीय क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, लेकिन जलभराव और डायरिया से जूझ रही जनता का हाल तक नहीं लेते। कोविड संक्रमण के समय भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने आए थे, पर अखिलेश यादव झांकने तक नहीं आए। इसी से नाराज होकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन पोस्टर से और उनके लापता होने की इस खबर से क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो लोगों का हाल अब पूछने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।